एक बार बिजनेस इनसाइडर न्यूज वेबसाइट ने रिवील किया कि मिस्टर बीस्ट के जितने भी वीडियोस में वो लोगों को पैसे देते नजर आए वो सारे नकली होते हैं। इस पे हर एक बंदे के दिमाग में एक ही सवाल आया कि क्या मिस्टर बीस्ट एक्चुअली में लोगों की मदद करते हैं या फिर ऐसे व्यूज के लिए सबको चूना लगा रहे हैं। जब बात थोड़ी सीरियस हो गई तो मिस्टर बीस्ट खुद सबके सामने आए और कहा कि हाँ, मैं अपनी हर वीडियोस में फेक मनी यूज करता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रियल मनी देख के आसपास के लोगों में रश मच जाए और चोरी वोरी होने के चांसेस बढ़ जाएं। जब वीडियो की शूटिंग बंद हो जाती है तब हम तुरंत उनसे फेक मनी वापस लेके उन्हें रियल चेक दे देते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर हम लाखों रुपए कैश लेके सड़कों पे चलने लगे तो हमें कोई लूट के नहीं चला जाएगा। नंबर टू, एक सीरियल ब्रांड ने बहुत सारे पोस्टर छाप के अपना ऐड किया और वो ऐड पता क्या था? उसमें लिखा था, माइकल जॉर्डन लव्स आवर सीरियल, ऑफिशियल सीरियल ऑफ रोनाल्डो, वी आर डूइंग जॉनसन्स फेवरेट सीरियल। अब आप सोचो कि भाई, अब ऐसी भी कौन सी ब्रांड है जिसके प्रोडक्ट रोनाल्डो, माइकल जॉर्डन जैसे सेलिब्रिटीज यूज कर रहे हैं? तो दोस्तों, अगर आप उन पोस्टर एड्स को ध्यान से देखोगे तो आपको नीचे छोटा सा लिखा मिलेगा कि ये माइकल जॉर्डन पास ही गली में रहता है, ड्वेन जॉनसन एक बस ड्राइवर है और ये रोनाल्डो वो नहीं है जो आप सोचोगे। बेसिकली उन्होंने सेम नाम के लोगों को ढूंढा और उन्हें अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि यार एक नाम के तो बहुत सारे हो सकते हैं ना।